Good evening viewers, hi, this is Tangna Vishali Talks on Spotify, and today we are welcoming our guest Dr. Nawal Kishore, जो एक जाने माने न्यूरोथेरेपिस्ट है और एक कह सकते हैं हिंदुस्तान की एक कुख्यात हस्ती है। वेलकम करते हैं नवल सर का। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार 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 कंगना जी, वैशाली जी। सर, हमारे व्यूअर्स को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। देखिए, जैसा आपने बताया, मेरा नाम नवल किशोर है। लोग मुझे नवल सर के नाम से ज्यादा जानते हैं। जब आप गूगल पर या यूट्यूब पर आप कहीं सर्च करेंगे नवल सर, तो वहाँ पर इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मैं न्यूरोथेरेपी को लोगों को सिखाता हूँ, लोगों को न्यूरोथेरेपी के बारे में बताता हूँ, और यही मेरी पहचान है। क्योंकि न्यूरोथेरेपी को प्रचार प्रसार के लिए न्यूरोथेरेपी हर घर तक पहुँचे, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि न्यूरोथेरेपी के द्वारा लोग अपना ट्रीटमेंट कराएं। न्यूरोथेरेपी के माध्यम से छोटी छोटी जो बीमारियाँ आम घरों में हो जाती हैं उनको ठीक करें। और न्यूरोथेरेपी को करते हुए 2005 से लगभग 18 साल कंप्लीट हो रहे हैं। ये 2018 से मैं न्यूरोथेरेपी को कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ट्रीटमेंट के माध्यम से और ट्रेनिंग के माध्यम से। ओके। सर, आप मुझे इसके बारे में बताइए कि व्हाट डू यू कंसीडर, इसके अंदर आपकी जो टॉप 3 स्ट्रेंथ और टॉप 3 वीकनेसेस हैं आपकी इस प्रोफेशन की। आप बहुत सारी चीजों से कम अक्रॉस होते होंगे, डेफिनेटली आप पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि आप लोगों को सिखाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, तो वो जो अवेयरनेस आप फैलाते हैं, तो बहुत तरह के लोगों से आप उनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ के बारे में उनके पता चलता होगा, तो वो आप उसको कैसे आप डील करते हैं? देखिए, न्यूरोथेरेपी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब मैंने 2005 में न्यूरोथेरेपी को सीखा था, इस कोर्स को कम्प्लीट करा, तो बहुत सारे लोग इससे परिचित नहीं थे। जब भी हम किसी से बात करते थे न्यूरोथेरेपी को लेकर, तो वो सबसे पहले यही क्वेश्चन करते थे कि न्यूरोथेरेपी है क्या, क्या न्यूरोथेरेपी से मेरा ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या न्यूरोथेरेपी इस बीमारी का इलाज कर सकती है। तो आपने कहा वीकनेसेस क्या हैं हमारे प्रोफेशन में, कि न्यूरोथेरेपी को आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। पहला वीकनेस ये है। दूसरा ये है कि लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं कि भाई एक मेडिसिन खाई मैंने और उसका रिजल्ट तुरंत उसको दिखाई देता है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं उनको साइड इफेक्ट होता है, ये वो भूल जाते हैं। लोगों ने कोविड से बचने के लिए बहुत सारे मेडिसिन खाई हैं, और उस समय उनको ये लग रहा था कि कैसे भी हम लोग बच जाएं बस। लेकिन आज आप देख रहे होंगे आपके आसपास भी, उस कोविड की मेडिसिन की वजह से आज बहुत सारे साइड इफेक्ट नजर आ रहे हैं। कईयों की याददाश्त चली जा रही है, कईयों को नींद नहीं आ रही है, पेट की समस्या तो एक आम बात हो गई है, स्किन डिजीज है, बीपी हाई है, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, ये मेडिसिन के साइड इफेक्ट है, जो उस समय हम लोग नहीं सोचते जब हम मेडिसिन लेते हैं। तो लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आती है कि लोगों का प्रचार प्रसार में अभी तक नहीं है। जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स एलोपैथी के बने हुए हैं, अभी न्यूरोथेरेपी के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी एड मिलना, गवर्नमेंट की तरफ से इसको सपोर्ट मिलना बाकी है। तो ये 3 वीकनेस हैं जो हमारे प्रोफेशन को अभी मुझे लगता है कि अभी भी हम लोग महसूस करते हैं। हाँ, मैं इसमें एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आपने भी हमारी वीकनेसेस बताई, पर मैं इसमें एक एड ऑन करना चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये पहले बताएं कि एक्चुअली न्यूरोथेरेपिस्ट या न्यूरोथेरेपी है क्या, ताकि लोगों को ये बात पता चले कि मतलब हम न्यूरोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, और लोग, आपको पता है हम लेमैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप हमारे लोगों को, हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि एक्चुअली न्यूरोथेरेपी है क्या? जी बिल्कुल। हाँ, आपने एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन करा कि हमें क्या वीकनेसेस होती हैं, तो मैंने उस वीकनेस पे बात करी, और निश्चित तौर पर हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि न्यूरोथेरेपी है क्या। देखिए, न्यूरोथेरेपी एक भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इंडियन ट्रेडिशनल थेरेपी है। आप लोग सभी जानते हैं, और हम भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा, चाहे वो अंग्रेजों का रहा हो, चाहे मुगलों का रहा हो, और इस कालखंड में हमारी जो खुद की चिकित्सा पद्धतियां थी, न केवल चिकित्सा पद्धति, हमारी संस्कृति बहुत डिस्ट्रॉय हुई। यानी कि हम अपनी चिकित्सा पद्धति, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों को धीरे धीरे करते हम भूलते चले गए। वहीं पर इसका स्थान ले लिया एलोपैथी मेडिसिन ने, क्योंकि ये अंग्रेजों की दवाएं हैं, इसलिए हम अंग्रेजी दवाई बोलते हैं, इसको स्वाभाविक है। और इसका जन्म अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 साल पुराना है, यानी कि अंग्रेजी दवाई की जो हिस्ट्री है, इंडियन मेडिकल साइंस की जो हिस्ट्री है वो 200 साल पुरानी है, जबकि हमारे आयुर्वेद की हिस्ट्री हजारों साल पुराना है। तो हमारे आयुर्वेद की अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे आप एलोपैथी में देखते होंगे कि हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, आंखों का डॉक्टर अलग है ना, गले का डॉक्टर अलग है, पेट का डॉक्टर अलग है, ऐसे आयुर्वेद में भी है। हमारा आयुर्वेद बहुत बड़ा विस्तार है, उसमें भी बाल चिकित्सालय अलग होता है, उसमें गुप्त रोग विशेषज्ञ होता है, उसमें नाड़ी मर्दन चिकित्सा होती है, काया चिकित्सा होती है। ऐसे आयुर्वेद में भी 8 अलग अलग प्रकार के प्रकल्प हैं, यानी कि अलग अलग शाखाएं हैं। उसमें एक शाखा का नाम आता है काया चिकित्सा। काया चिकित्सा में आयुर्वेद के में इस पर एनर्जी पर काम किया जाता है, अग्नि के ऊपर काम किया जाता है। यानी कि काया चिकित्सा का इतिहास ये कहता है कि शरीर के अंदर बीमारी तब आती है जब हमारे शरीर के अंदर अग्नि कम हो जाती है। अब जैसे हम लोगों ने एक अग्नि के बारे में सुना होगा, जैसे हम कहते हैं मुझे भूख लग रही है, यानी कि मेरे पेट की अग्नि के अंदर एक अग्नि जल रही है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि कहा जाता है। यानी कि जठर मतलब पेट और अग्नि मतलब पेट की अग्नि, तो जठराग्नि कहा जाता है। तो जब ये मंद हो जाती है तो हमें पेट की समस्याएं आ जाती हैं। और इसी अग्नि को अगर हम मॉडर्न साइंस में कहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन है ना, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन जहां भी कम होगा वहां बीमारियां आ जाएंगी। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो बीपी लो हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो बीपी हाई हो जाएगा। तो यही जो मॉडर्न साइंस ने के हिसाब से हमने उस मॉडर्न साइंस ने उसको ब्लड सर्कुलेशन माना और आयुर्वेद ने इसे अग्नि के रूप में माना। तो न्यूरोथेरेपी आयुर्वेद के काया चिकित्सा के तौर पर के अंदर में पाई जाती है और वहां पर इसको नाड़ी मर्दन चिकित्सा कहते हैं। मतलब अगर हम काया चिकित्सा के शास्त्र को उठाकर देखें तो उसमें नाड़ी मर्दन चिकित्सा का वहां उल्लेख मिलेगा, वर्णन मिलेगा, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब इस नाड़ी मर्दन चिकित्सा को गुरुजी ने जब इसको पढ़ा आयुर्वेद को, काया चिकित्सा को, तो गुरुजी ने इसका नाम पहले नाड़ी मर्दन चिकित्सा ही रखा। लेकिन जब हम आधुनिक डॉक्टर्स के पास गए, एलोपैथी डॉक्टर्स के पास गए, एमबीबीएस के पास गए, तो उन्हें यह लगा कि बड़ी पुरानी चिकित्सा पद्धति हो गई ये तो, नाड़ी मर्दन चिकित्सा। तो डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी को लगा कि अगर हमें मॉडर्न साइंस के साथ काम करना है, मॉडर्न साइंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखना है, तो कहीं इस चिकित्सा पद्धति को भी मॉडर्न नाम देना पड़ेगा। तो उन्होंने इस पुरातन चिकित्सा को, भारतीय चिकित्सा पद्धति को न्यूरोथेरेपी का नाम दिया, जिसमें हम किसी भी दवा का इस्तेमाल नहीं करते, किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, केवल और केवल हम न्यूरोथेरेपी के प्रेशर पॉइंट से आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करते हैं। और ये मॉडर्न साइंस मानती है कि बॉडी के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक है तो आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती, कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो न्यूरोथेरेपी हमारी खुद की भारतीय चिकित्सा पद्धति है जो अंग्रेज हमारे गुलामी की वजह से लुप्त हो गई थी। डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी ने आयुर्वेद की को पढ़कर, उसके ऊपर अध्ययन कर इस पुरातन चिकित्सा पद्धति को एक मॉडर्न रूप देकर न्यूरोथेरेपी के रूप में हम सबके सामने रखा है। ओके सर, एक मेरा सवाल है, अगर आप न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं न्यूरोथेरेपिस्ट नहीं होता तो ठीक बात है कि जब मैं 12th में था या 10th में था तो मेरा एक सपना था कि मैं लॉयर बनूं, यानी कि वकील बनूं, क्योंकि एक लॉयर एक ऐसी चीज जिम्मेदारी है कि सच और झूठ को अलग अलग कर सकता है। एक व्यक्ति अगर उसके पास पैसा नहीं है और लेकिन वो ईमानदार है तो लॉयर अपनी काबिलियत से उसको ईमानदारी के तौर पर उसको न्याय दिला सकता है। तो मैं ये सोचता था 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक, जब तक मैंने न्यूरोथेरेपी को ना ज्वाइन किया था, ना सुना था कि मुझे वकील बनना चाहिए, लॉयर बनना चाहिए और सच में सच को सामने लाना चाहिए कि सच कैसे सामने आ सकता है। ओके, ठीक है सर। आप मुझे ये बताइए, जब आप अपने जब आप अपने थेरेपी को आप देखते हैं तो इस थेरेपी का भविष्य आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप अगर ये प्रेशर पॉइंट दबाएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा, जो कि अभी आपने एक्सप्लेन किया और बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। तो ये जो चीज आप समझाते हैं तो आपको क्या लगता है ये जो थेरेपी है जिसके लोग आज की डेट में अवेयर हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो अगले 5 साल में आपको क्या लगता है हमारी ये थेरेपी जो है ये कहाँ तक पहुंचेगी? आप इसको कहाँ स्टैंड अप देंगे? देखिए, आज समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, और आज मैं अगर बात करूं तो लोग अपनी खुद की चिकित्सा पद्धति जैसे योग है, प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, न्यूरोथेरेपी, इनकी तरफ आ रहे हैं, इनका रुझान हो रहा है। क्योंकि अब वो पढ़े लिखे लोग ये समझ रहे हैं कि हालांकि ये हम जो एलोपैथी की मेडिसिन ले लेते हैं इसका तुरंत फायदा तो है, लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान होगा। और ये एलोपैथी का एक इतिहास है कि उनके पास एक भी ऐसी सिंगल डोज मेडिसिन नहीं है जिसका अपना कोई साइड इफेक्ट ना हो, यानी कि हर मेडिसिन का अपना साइड इफेक्ट है। और ये उसके आप गूगल पर किसी भी टैबलेट के बारे में जानकारी मिलेंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल आपको बता देगा कि इस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट है, क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफेक्ट हैं। तो लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग अपनी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को अपना रहे हैं, योग को अपना रहे हैं, आयुर्वेद को अपना रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को अपना रहे हैं, न्यूरोथेरेपी को अपना रहे हैं। तो आने वाले समय में 5 सालों में न्यूरोथेरेपी एक बहुत बड़ा स्कोप एक चिकित्सा के तौर पर, एक रोजगार के तौर पर निकलने वाला है। लोग इसको चिकित्सा के तौर पर अपनाने वाले हैं और रोजगार के तौर पर ये लाखों लोगों को रोजगार देने वाली है। तो भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का दोबारा से पुनः समय आ गया है और ये गोल्डन पीरियड है जहां हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, वहां पर हमारी सरकारें भी आज प्रयास कर रही है इन चिकित्सा पद्धतियों के लिए। सर, ये न्यूरोथेरेपी के अलावा आप अपनी लाइफ को इतना हेल्दी बैलेंस कैसे रखते हैं? देखिए, न्यूरोथेरेपी के अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। न्यूरोथेरेपी के अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में न्यूरोथेरेपी है, मेरे रिश्तेदार न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, मेरी वाइफ न्यूरोथेरेपिस्ट है, और मैं अगर मैं किसी त्योहार को मनाता हूँ तो अपनी टीम के साथ मनाता हूँ। तो न्यूरोथेरेपी को अलग करना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी ना केवल एक चिकित्सा पद्धति है, ये जीवन जीने की कला है। ये पद्धति का मतलब क्या होता है? एक जीवन शैली है ना, हम कहते हैं ये चिकित्सा पद्धति है, तो जीवन न्यूरोथेरेपी एक जीवन शैली है कि आपको कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, मौसम में आने वाली चीजों को ही हमें उपयोग में लाना चाहिए, अगर हमें जोड़ों में दर्द है तो खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ये चिकित्सा पद्धति ना होकर जीवन शैली भी आप इसे कह सकते हैं कि आपकी जीवन शैली में वो अगर सही तरीके से चल रही है, आपका खान पीन ठीक है, आपका रहन सहन ठीक है, आपके नित्य प्रतिदिन फिजिकल एक्सरसाइज है, तो आपको किसी तरीके कोई रोग हो ही नहीं सकता और अन्य किसी दवाई की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो न्यूरोथेरेपी हमारी जीवन शैली है और न्यूरोथेरेपी के द्वारा ही मैं अपने आप को फिट और बैलेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे ये बताइए, जब आप अपने काम में बिजी होते हैं, अब आपने जैसे एक बात बताई कि न्यूरोथेरेपी और आपकी दिनचर्या बिल्कुल अलग नहीं है, इट इज 180 के 2 पहलू, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता होगा कि जैसे आपके कोई क्लाइंट्स हैं या पेशेंट हैं, उनकी किसी बीमारी को लेके या वो अपनी जिस परेशानी को लेके, सही शब्द यही रहेगा, जिस परेशानी को लेके वो आपके पास आए हैं, जब आप उनको क्योर करने की कोशिश करते हैं तो उन चीजों को लेके आपको किसी वक्त बहुत स्ट्रेस हुआ होगा या कभी आप स्ट्रेस फील करते होंगे कि यार मतलब कई चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो मुझे उसको कैसे करना है। तो आप उस स्ट्रेस को और अपनी फैमिली को किस तरह बैलेंस करते हैं? क्योंकि क्लाइंट है आपका, आपका पेशेंट है, आपको उससे पूरी तरह सेटिस्फाई करते हैं, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करते हैं? जी, बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट हमें मिलते हैं जहाँ वो निराश होकर हमारे पास आते हैं, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाकर आते हैं, फिर उनको एक उम्मीद लगती है कि न्यूरोथेरेपी उनको ठीक कर सकती है। तो ऐसे समय पर हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और हमें एक अच्छा रिजल्ट उन्हें देना है, क्योंकि वो सब जगह से हार चुका है, सब जगह से निराश हो चुका है, और न्यूरोथेरेपी उसके लिए एक आशा की किरण है। तो ऐसे समय पर जब हमारे को ये लगता है तो गुरुजी ये कहते हैं कि न्यूरोथेरेपी एक ईश्वरीय कार्य है, यानी कि ईश्वर का काम है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप 100% अपना दे रहे हैं, किसी भी पेशेंट को ठीक करने में आप अपना 100% दे रहे हैं और आप मेहनत करें, तो गुरुजी कहते हैं कि हरि सब देख रहा है और हरि सब जानता है, यानी कि हरि आपकी मेहनत को देखता है, वो आपको कभी निराश नहीं करेगा। बहुत सारी बार गुरुजी का अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि गुरुजी को रात में सोते सोते सपने आते थे कि इस पेशेंट को ये ट्रीटमेंट देना चाहिए, इस पेशेंट को ये पॉइंट देंगे तो जल्दी फर्क आ जाएगा। यानी कि भगवान आपके साथ है, भगवान आपको किसी भी प्रकार की किसी भी दुविधा से निकालने के लिए तैयार है। और रहा बैलेंस की बात, तो मैंने ये कहा कि न्यूरोथेरेपी को आज मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा पैशन बन गया है। जब आपका काम आपका पैशन बन जाए तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं देगा। वो स्ट्रेस एक थोड़े बहुत समय के लिए हो सकता है, लेकिन वो कभी भी तनाव के रूप में आपको नहीं आएगा। ये आपकी जिम्मेदारी का एक तनाव हो सकता है, लेकिन बीमारी वाला तनाव आपको कभी भी नहीं लगेगा। तो सर, इस न्यूरोथेरेपी के जरिए मतलब हम किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम हर उस बीमारी का समाधान कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं जिसका इलाज किया जा सकता है। यानी कि बीमारी की अलग अलग स्टेजेस होती हैं कि बीमारी अगर फर्स्ट स्टेज में है, यानी कि अभी वो शुरुआत है, तो उसका 100% इलाज है। बीमारी अगर सेकेंड स्टेज में है तो पेशेंट अगर पेशेंट्स के साथ न्यूरोथेरेपी को अपनाए, कुछ डाइट प्लान करे, कुछ एक्सरसाइज करे, तो न्यूरोथेरेपी उसमें 100% मदद करेगी। लेकिन थर्ड स्टेज, जब बीमारी की स्टेज ऐसे पहुंच जाती है जो हमारे हाथ से बाहर की बात हो जाती है, कैसे आपने सुना होगा ना कि अब हमारे हाथ से बात निकल गई, तो उस कंडीशन में न्यूरोथेरेपी केवल और केवल आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम कर सकती है। आपको ठीक करना ना तो वो एलोपैथी के बस की बात होती है, ना फिर न्यूरोथेरेपी के बस की बात होती है। जी जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके ओपिनियन में व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रस्ट? आपका पेशेंट, आपका क्लाइंट, आपका जो आपके पास अपनी तकलीफ लेके आया है, वो किन रीजंस की वजह से आपके ऊपर पूरी तरह ट्रस्ट करे, आपके इस प्रोफेशन पे ट्रस्ट करे? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बिल्कुल लेना नहीं, मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, इसके बारे में आपने मेरी नॉलेज बढ़ाई है, तो लोग आप पे क्यों ट्रस्ट करें? उसका एक मतलब हर एक का अपना रीजन है, वो आप क्या रीजन देंगे उसकी वजह से कि लोग आप पे विश्वास करें? देखिए, पहली चीज तो जब भी मेरे पास पेशेंट आते हैं और मैं उनको बोलता हूँ, क्योंकि एक तो वो निराश हो चुके होते हैं, बीमारी को दिखा दिखा कर परेशान हो चुके होते हैं, हजारों के टेस्ट, लाखों का खर्चा अपने ऊपर कर चुके होते हैं, और उसके बाद वो एक उम्मीद लेकर मेरे पास आते हैं। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि अब जब आप मेरे पास आए हैं तो ये बीमारी उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर शुरुआत हुई थी, इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो सबसे पहली चीज कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अपनी बीमारी के लिए। दूसरी चीज है कि एक विश्वास के साथ आप ट्रीटमेंट करिए। तो साईं मंदिर में आपने देखा होगा श्रद्धा और सुबरी, दो वर्ड लिखे होते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है कि आपको जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उस पर श्रद्धा रखनी ही पड़ेगी कि आपको ये करना पड़ेगा जो मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ न्यूरोथेरेपी का, ये मुझे ठीक करेगा, और ये उसके अंदर है तभी वो मेरे पास आया है। बस सब्र की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस के साथ और श्रद्धा के साथ जब वो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लेगा तो बिल्कुल उसे फर्क आएगा, क्योंकि और कोई चारा उसके पास है नहीं, क्योंकि वो बहुत जगह दिखाकर बेचारा परेशान है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में हम उसे यही कहते हैं कि आप हमारी बात मानिए, हम आपको वैसा कर देंगे जैसा आप चाहते हैं। तो पेशेंस के साथ न्यूरोथेरेपी कराइए, निश्चित दिन तक कराइए जितना मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, और निश्चित तौर पर मैं वैसा आपको कर दूंगा जैसा आप चाहते हैं। मतलब श्रद्धा और सबरी रखेंगे तो बिल्कुल तो आप चाहते हैं वही आपको मिलेगा। जी बिल्कुल। तो सर, इस थेरेपी में कोई DSM नाम की थेरेपी भी होती है? DSM की मुझे जानकारी नहीं है, वैसे अगर आप फुल फॉर्म बताएंगे तो फिर मैं बता पाऊंगा आपको। नहीं, थेरेपिस्ट के लिए मतलब एक DSM एक थेरेपी, तो मुझे ऐसे लगा कि क्योंकि अलग अलग भी होते हैं, एक्यूप्रेशरिस्ट भी होते हैं, हो सकता है उनकी थेरेपी हो ये, तो यही मैंने आपसे पूछा। ये न्यूरोथेरेपी इसका साइंस का नाम है। इसको जो लोग कंप्लीट करते हैं, इसका 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, उनको न्यूरोथेरेपिस्ट कहते हैं। और न्यूरोथेरेपी में आपके नाड़ी को देखकर, आपके बॉडी के सिम्टम्स को देखकर, आपके बैठने उठने तरीके को देखकर, आपके चलने के तरीके को देखकर, आपकी नाभि की पोजीशन को देखकर, आपके बॉडी में एसिड बढ़ा हुआ है या अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, इनको देखकर आपकी बीमारी का, बॉडी की कंडीशन का पता लगाया जाता है। क्योंकि जब भी व्यक्ति बीमार पड़ता है, ऐसे नहीं कि आज बीमार पड़ा तो आज ही बॉडी ने सिम्टम्स दिए, बॉडी पहले सिम्टम्स देती है फिर बीमार पड़ती है। जैसे बुखार जब भी आएगा पहले थकान होगी, सिर दर्द होगा, फिर लगेगा यार मेरा शरीर टूट रहा है, और फिर कुछ देर के बाद आपको बुखार आना शुरू हो जाएगा, फिर आज लगेगा यार मुझे बुखार हो गया। तो यानी कि बॉडी बीमार होने से पहले सिम्टम्स देती है, अगर हम उन सिम्टम्स को पहचान लें, सही डायग्नोज कर लें, तो आप बीमार होने से बच सकते हैं, क्योंकि पहले सिम्टम्स आएंगे फिर डिजीज आएगी। डिजीज पहले नहीं आती, पहले डिजीज आएगी फिर सिम्टम्स, पहले सिम्टम्स आते हैं फिर डिजीज आती है। तो सिम्टम्स पे ही अगर हम बीमारी को रोक दें तो आपको बीमारी नहीं आएगी। मतलब जैसे एक वो बहुत अच्छी सेइंग है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल ठीक कहा, ज्यादा बेहतर है इलाज से, आपका मतलब यही है। जी बिल्कुल। कुछ चीजें हैं जो पुरानी, हम अगर दोबारा जाना शुरू करें तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी हिस्ट्री में हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ रखी हैं और हम लोग उनको भूल गए हैं। जी बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब कि क्या इस न्यूरोथेरेपी के थ्रू क्या हम मेंटल हेल्थ, जो आजकल आपको बहुत कॉमनली सुनाई देता होगा कि डिप्रेशन हो गया है, मेंटल स्ट्रेस है, लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, ये सब चीजें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, तो क्या इसके अंदर मेंटल हेल्थ का भी कोई ट्रीटमेंट है? क्या हम मेंटल हेल्थ को भी इससे क्योर कर सकते हैं? क्या हम इसके अंदर इलाज निकाल सकते हैं इसका? जी बिल्कुल। न्यूरोथेरेपी मैंने जैसा आपको कहा कि ये एक जीवन जीने की कला है, यानी कि एक लाइफ स्टाइल है। तो लाइफ स्टाइल में आपका फिजिकल और मेंटल दोनों आते हैं। तो न्यूरोथेरेपी के माध्यम से हम मेंटल डिसऑर्डर्स को भी ठीक कर सकते हैं। क्यों? मेंटल डिसऑर्डर्स की शुरुआत कहाँ से होती है? आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हैप्पीनेस हार्मोन हैं, जिसमें सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सब टेस्टोस्टेरोन है, ये सब हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं। अगर ये प्रॉपर तरीके से सही क्वांटिटी में सही समय पर बनते रहे तो आदमी बिल्कुल खुश है। अगर ये कम बने तो आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, हमारी एक एड्रिनल ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। उस एड्रिनल ग्लैंड का काम है कि आपको खुश रखना। वो जितना अच्छा काम करेगी, नॉर्मल काम करेगी, आप खुश रहेंगे। लेकिन जब आप डिप्रेस हो जाएंगे, अपने तनाव में चले जाएंगे, लाइफ स्टाइल का आपके वर्किंग प्रेशर आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे क्या है, वहाँ सर्कुलेशन कम होता चला जाता है और उसका काम में कमी आ जाती है और आपके हैप्पीनेस हार्मोन कम हो जाते हैं। न्यूरोथेरेपी उस ग्लैंड को स्टिमुलेट करना जानती है, आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स को बना सकती है अपने प्रेशर पॉइंट्स पे। तो जब हम हैप्पीनेस हार्मोन्स को बना सकते हैं तो आपके मेंटल स्ट्रेस को, मेंटल डिसऑर्डर्स को, आपकी मुस्कान जो खो चुकी है उसको भी वापस ला सकते हैं। इसका मतलब अगर हम न्यूरोथेरेपी को बहुत अच्छी तरह अपनाएंगे तो ये जो स्ट्रेस नाम की जो बीमारी जो अभी अभी कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा सुनाई दे रही है, ये बिल्कुल जल्द से निस्तो नाबूद हो जाएगी। बहुत अच्छा सर, तो ये जो मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे थे अभी, तो इसका आप क्योर करते हैं। इसके अलावा और जैसे किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो फिर मतलब ये क्योर तो है ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ आप उनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि डाइट चार्ट्स बनाना या कुछ ऐसा, वो सब भी आप करते हैं कि सिर्फ किसी का मतलब न्यूरोथेरेपी के जरिए ही इसको क्योर करते हैं? देखिए, एक कंडीशन है डिप्रेशन, ये एक मानसिक रोग है जिसे अवसाद कहा जाता है। डिप्रेशन में क्या है कि आपको आपके जो ऑर्गन्स वो डिप्रेस हो गए हैं, वो दबाव में आ गए हैं। केवल ये कंडीशन है, ये कोई रोग नहीं है। मानसिक रोग कोई बीमारी नहीं है, केवल एक कंडीशन है। आप उनको जैसे कोई डिप्रेशन में है, बेचारा कोई घूमने नहीं जाता, घर में आप बंद कर दीजिए, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आप उस व्यक्ति को घुमाने ले जाइए, फिराने ले जाइए, खुली जगह पर लेके जाइए, वो खुश होगा। उसका डिप्रेशन कहाँ चला गया? केवल एक कंडीशन ही तो आपने चेंज करी कि बंद कमरे से उसको निकाल कर आप ओपन में लेके गए, आप हरियाली उसने दिखाई। तो यानी ये कंडीशनल ये बीमारियां होती है। और इसमें खास तौर से जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स के पेशेंट होते हैं उनका ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है। तो ऑक्सीजन लेवल को आप उनका बढ़ा दीजिए, चाहे योग के माध्यम से बढ़ा दीजिए। अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, वस्तिका है, भ्रामरी है, ओम का उच्चारण है, ये वो चिकित्सा वो पद्धतियां हैं, वो क्रियाएं हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है। अगर योग हम अपना लें जीवन में तो हम डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। हम घूमना फिरना सीखना चाहिए। लोग घूमने नहीं जाते, घूमने से क्या है, वातावरण चेंज होता है, आप नई नई चीजें देखते हैं और हमारा जो नेचर है, ह्यूमन बॉडी नए नए लोगों से मिलकर खुश होता है, नई नई प्राकृतिक चीजों को देखकर खुश होता है। तो बीमारियां तब आती हैं जब हम अपने काम को बोझ समझ लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को बोझ समझ लेते हैं और हम अपने आप को एक दायरे में कैद कर लेते हैं। तो ह्यूमन नेचर है, खुली हवा में सांस लीजिए, खुली हवा में लोगों के साथ मिलिए, खुशी होकर मिलिए, पॉजिटिव रहिए, आप कभी भी मानसिक रोग के शिकार नहीं। बिल्कुल ठीक कहा सर। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके क्लाइंट को, आपके पेशेंट को अगर आपकी जरूरत है एक्सेप्ट योर वर्किंग आवर्स, जो आपका एक निश्चित समय है काम करने का, या वीकेंड्स पे या किसी ऐसे सिनारियो के अंदर, तो क्या आप अवेलेबल हैं अपने उन क्लाइंट्स के लिए, या कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो आप उनको उन दिनों के लिए आप मेंशन करते हैं ताकि वो आपका जो क्लाइंट है वो आपका क्लाइंट सेटिस्फाई रहे, या आपके क्लाइंट को जरूरत है उस चीज की, आप उसको कैसे मैनेज करें? जी बिल्कुल, आपने कहा, ठीक पूछा। हमने इस तरीके का पैटर्न बना रखा है। अगर मैं कैलेंडर की बात करूं तो हमारे यहाँ पर छुट्टी किसी भी दिन नहीं है, यानी कि हम संडे भी ओपन करते हैं, हम दिवाली पे भी ओपन करते हैं, हम रक्षाबंधन पे भी ओपन करते हैं, क्योंकि आज हमने अपने इस सेंटर को इस तरीके से मैनेज करा हुआ है कि लगभग 10 से 15 लोगों की टीम है हमारी। तो अगर किसी को कोई जरूरत है तो उसकी टाइमिंग अलग कर दी हमने। तो कोई ना कोई आपको न्यूरोथेरेपी के लिए 24 घंटे कोई ना कोई आपको हमारे यहाँ से उपलब्ध मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बीमारी बताकर नहीं आती, कभी भी हमारी जरूरत पड़ सकती है। आप मेरे सेंटर पर कभी भी फोन करेंगे, आपको एक न्यूरोथेरेपिस्ट हमेशा मिलेगा जो आपको गाइड करेगा। आपको ट्रीटमेंट भी जरूरत पड़ेगी तो रात को भी ट्रीटमेंट आपको मिलेगा। तो हमारी तरफ से तो पूरी तैयारी है, 24 घंटे है, सातों दिन है। हमारे लिए स्पेशल कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कोई भी छुट्टी नहीं है। बहुत सुंदर, आप जो मुहिम चला रहे हैं ये बहुत खूबसूरत है डॉक्टर साहब। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। जी थैंक यू सर। यहाँ पर न्यूरोथेरेपी में मतलब यहाँ पे पेशेंट्स एडमिट भी होते हैं या सिटिंग्स में चलता है? देखिए, जो हमारी थेरेपी है और ज्यादातर जहाँ पर ये सेंटर जो चलते हैं, अभी तो हम लोग अभी ओपीडी चलाते हैं कि पेशेंट आते हैं, अपनी बीमारी का डिस्कस करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। दिन में 1 बार 2 बार 3 बार ट्रीटमेंट करा सकते हैं यहाँ पर। अभी अगर हॉस्पिटल की बात करें तो बॉम्बे में, नासिक के पास में एक न्यूरोथेरेपी आश्रम है जहां पर हमने पेशेंट्स को एडमिट करना शुरू करा। हमने सेम उसी तर्ज पर जैसे एलोपैथी हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पर हमने दिन में 9 ट्रीटमेंट, 7 ट्रीटमेंट, 5 बार ट्रीटमेंट, उस तरीके से हॉस्पिटल डेवलप करा है। नासिक में बिल्कुल नेचुरल जगह है, 100% शुद्ध ऑक्सीजन है, जहां पर आपको लगेगा कि आप दुनियादारी से बिल्कुल कट गए हैं। और ऐसे जगह पर जाकर आप आधे तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं जब आप ऐसी जगहों पर रहते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल्स भी धीरे धीरे हम तैयार कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप 24 घंटे वहां एडमिट हो सकते हैं। सर, आप कौन से मेथड यूज करते हैं? जैसे आपने अभी बताया कि इसके अंदर स्टेजेस होती हैं, एक इनिशियल स्टेज होती है, फिर सेकेंड होती है, फिर थर्ड होती है। तो आप जब इसको डायग्नोज करते हैं तो जो सेकेंडरी स्टेज होती है या हम कहें कि थर्ड स्टेज होती है, तो आप अपने क्लाइंट्स को, देखिए इनिशियल स्टेज पे चीजों को पकड़ना, सॉल्व करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान होता है, बट जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ गई हैं क्लाइंट को उतना ही अवेयर रखना, क्लाइंट को उतना ही मेंटली मोटिवेट रखना कि नहीं, ये चीज बदलेगी और ये बदल रही है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि बदल रही है, आपका पेशेंट नहीं समझ रहा, क्योंकि जब तक उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा उसे समझ नहीं आएगी। तो आप अपने उन क्लाइंट्स को, उनकी इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से, आप किस तरह उनको देखते हैं और उनको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जब पेशेंट हमारे पास कुछ बीमारियों को लेकर आते हैं जो शुरुआती दौर में है, तो उनको हम कहते हैं कि आपको केवल एक ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और आपको, आप डेली आइए, ट्रीटमेंट लीजिए और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, कुछ महीनों में ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ पेशेंट आते हैं जिनको सालों से बीमारी है। हम उनको ये रिकमेंड करते हैं कि देखिए आपकी बीमारी लंबे समय से है और अब आपको ट्रीटमेंट की ज्यादा आवश्यकता है। तो उनको बोलते हैं कि आप दिन में 2 बार ट्रीटमेंट लीजिए, आप सुबह भी आइए और शाम को भी आइए। तो लोगों को पता है कि उनकी बीमारी पुरानी है और उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और दिन में 2 बार ट्रीटमेंट लेते हैं। जब कंडीशन ऐसी आ जाती है कि किसी ने ऑपरेशन बोल दिया, जैसे मेरे पास स्पाइन के ऑपरेशन के पेशेंट बहुत आते हैं जिनको स्पाइन के लिए सर्जरी रिकमेंड कर दी है, उन लोगों को मैं कहता हूँ कि आप एक हफ्ते दिन में 5 बार ट्रीटमेंट लीजिए, यहीं आप रुकिए, यहीं ट्रीटमेंट लीजिए, सुबह से शाम तक आपको यहीं रहना है। और उस कंडीशन में हमने हफ्ते हफ्ते भर में 10 दिन में इतने मिरेकल रिजल्ट देते हैं उनको कि उनके ऑपरेशन की डेट बदल जाती है। यानी कि डॉक्टर ने जब कहा कि आपको हफ्ते भर के बाद ऑपरेशन जरूरत है, 15 दिन के बाद जरूरत है, तो मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री यहाँ देखी है कि उनके ऑपरेशन टल गए, उनके ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। तो ऐसे मिरेकल यहाँ होते और एज पर कंडीशन के हिसाब से हम दिन में 1 बार देते हैं, 2 बार देते हैं, जरूरत पड़ती है तो दिन में 5 या 7 बार भी ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे एलोपैथी डॉक्टर्स भी तो कहते हैं कि सुबह दोपहर शाम अपने मेडिसिन खानी है, ये नाश्ते से पहले खानी है, ये लंच से पहले खानी है, डिनर से पहले खानी है। तो इसी तरीके से हम भी ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितने ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और वो उस चीज को एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि वो भी अपनी बीमारी को जानता है। पर मुझे सर एक बात बताइए, जैसे आपने ये बताया कि दिन में कई बार हमको 5 बार 7 बार की जरूरत पड़ती है, तो आप अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि वो आपके पास नहीं रहे पूरे दिन के लिए, पर सर हर एक पेशेंट के लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो इस चीज को फिर हम कैसे मैनेज करेगा, वो पेशेंट किस तरह मैनेज करेगा कि जी वो 2 दिन तो आ गया सुबह से लेकर शाम तक, तीसरे दिन वो नहीं आ सकता, तो वो कैसे मैनेज करेगा? जी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा रहता है कि सर हम तो आ नहीं सकते हैं, हम दूर रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर हम न्यूरोथेरेपिस्ट को प्रोवाइड करते हैं, उनके घर पर भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे हिसाब से डाइट फॉलो करिए और हमारा न्यूरोथेरेपिस्ट आपके पास आएगा, आपको ट्रीटमेंट देगा। दिन में 3 बार की जरूरत है, 5 बार की जरूरत है। इवन तो मैंने एक पेशेंट को देखने के लिए रायपुर में यानी कि छत्तीसगढ़ में अपने थेरेपिस्ट को भेजा, वो उन्हीं के घर रहता था थेरेपिस्ट, उन्हीं के यहाँ खाना है, उन्हीं के यहाँ पीना है, उन्हीं के यहाँ सोना है, 24 घंटे उनके साथ रहना है। तो इससे 2 फायदे हुए, एक तो पेशेंट को यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी, वो रायपुर रहता है छत्तीसगढ़, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, वो अपने काम धंधे को भी देख रहा है, वो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी करा रहा है और न्यूरोथेरेपी ये भी देख रहा है कि उसकी दिनचर्या कैसी है, कहाँ छोटी छोटी गलतियां वो आमतौर पर करता है जो उसकी बीमारी को बढ़ा देती है। तो न्यूरोथेरेपिस्ट पूरे के पूरे 24 घंटे उसके साथ है, न्यूरोथेरेपिस्ट उसको दिन में 5 बार 7 बार जितनी जरूरत हो उसको ट्रीटमेंट भी देता है। तो न्यूरोथेरेपी सेंटर भी आ सकते हैं पेशेंट और न्यूरोथेरेपिस्ट को अपने यहाँ बुलाकर भी न्यूरोथेरेपी की सेवा ले सकते हैं। मतलब आप ये भी सेवा प्रोवाइड करते हैं कि वो चाहे तो क्लाइंट आप डॉक्टर उनके घर जाके भी उनको फैसिलिटी दी जाएगी? जी बिल्कुल। ठीक सर, ये जो न्यूरोथेरेपी होती है ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत रीजनेबल है या बहुत कॉस्टली थेरेपी है या सब इसको कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ठीक क्वेश्चन है आपका, सही सवाल है। लोगों के अप्रोच में आनी चाहिए थेरेपी तो, और इसी उद्देश्य से अलग अलग सेंटर्स है दिल्ली में, अलग अलग सेंटर्स है। जैसे अब डिपेंड करता है कि सामने वाला क्लाइंट हमारे से क्या सर्विस चाहता है। तो दिल्ली में न्यूरोथेरेपी सेंटर्स ऐसे भी है जहाँ आज भी 50 रुपए में ट्रीटमेंट मिलता है, जहाँ आज भी चैरिटेबल सेंटर चलाए जाते हैं, जहां सारा खर्चा कोई संस्था करती है, केवल न्यूरोथेरेपिस्ट वहां सेवा देता है और 50 रुपए में न्यूरोथेरेपी आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। दिल्ली में ऐसी जगह भी है जहां एक ट्रीटमेंट की कॉस्ट 2 से 3 हजार रुपए भी है। तो आप वैसे ही है जैसे कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि मुझे जाते ही एसी मिलना चाहिए, मुझे जाते ही पानी मिलना चाहिए, मुझे जाते ही मेरे सेवा में लोग लग जाने चाहिए, तो अलग अलग जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन होगी वैसा न्यूरोथेरेपी आज सेंटर उपलब्ध है। दिल्ली की बात करूं तो 50 रुपए से न्यूरोथेरेपी सेंटर मतलब ट्रीटमेंट स्टार्ट है और 3000 रुपए तक का न्यूरोथेरेपी सेंटर दिल्ली में चल रहा है। तो जैसा पेशेंट चाहेगा वैसे उसे सुविधा मिल जाएगी। सर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, व्यूअर्स को जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि देखिए पहला धन निरोगी काया है, यानी कि आपकी पहली इनकम आपका हेल्दी रहना है ना। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। बहुत सारी कोटेशन ऐसी आपने सुनी होंगी और निश्चित तौर पर मैं आज पढ़ रहा था अखबार में, तो सिकंदर की 3 इच्छाएं थी कि सिकंदर ने कहा कि मैंने दुनिया में सब लोगों को जीता है, पूरे देश को जीता है, पूरे विश्व को जीता है, तो लेकिन जब मैं वो मर रहा था तो उसने कहा कि मेरे हाथ खाली छोड़ देना ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं सब कुछ जीतने के बाद भी अपने साथ कुछ नहीं लेके जा रहा। उसने ये कहा कि जो लोग मेरा इलाज कर रहे हैं वो मेरे को कंधा देंगे ताकि लोगों को ये समझ आए कि वो आप जिन पर विश्वास करते कि वो आपको बचा लेंगे वो एंड समय पर वो भी काम नहीं आएंगे। उसने कहा कि मेरी सारी धन दौलत मेरे जनाजे के आगे फेंक देना ताकि लोगों को समझ आए कि कोई धन दौलत आपके काम नहीं आने वाली। केवल आपकी हेल्थ ही आपके काम आने वाली है, आपका शरीर ही आपके काम आने वाला है। और अगर आप स्वस्थ हैं तो सब आपके मित्र हैं, और अगर आप रोगी हैं तो लोग दूर दूर होना शुरू कर देते हैं। ऐसा आपने कोरोना में देखा होगा कि पहला पेशेंट कोरोना का मिल जाए तो लोग सोचते थे आतंकवादी मिल गया इसके घर में, तो है ना कि ऐसा माहौल बन गया था। तो आपको अपने शरीर पर ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए आपने सही भोजन का चुनाव करना है, यानी कि आपको मौसम के अनुसार फल और सब्जियां ही खानी चाहिए। जो जिस मौसम में फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, उसी मौसम में वो खाने योग्य हैं और खानी ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सर्दियों में सेब आते हैं तो सर्दियों में ही खाने चाहिए, हमें गर्मियों में सेब नहीं खाने चाहिए। गर्मियों में तोरे, टिंडे, घिया आते हैं तो ये गर्मियों में ही खाने हैं, सर्दियों में नहीं खाने चाहिए, क्योंकि मौसम के अनुसार हमारे शरीर के अंदर भी हार्मोन चेंज होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं, एंजाइम्स चेंज होते हैं। तो पहला मेरा जो व्यूअर्स को देन है कि पहला कि हमें मौसम के अनुसार फल और सब्जियां ही खानी चाहिए। दूसरा, हमें मैदे का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, क्योंकि मैदे के अंदर कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें फायदेमंद हो। तो मैदा आपको बीमारी ही करेगा। और आज यंग जनरेशन हमारी पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स की तरफ जा रही है, जो आपको आज नहीं तो कल बीमार करेगा। तीसरा, रात की नींद पूरी लेनी चाहिए। हम लोग 1 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, नाइट में जॉब कर रहे हैं, इसको आज फैशन समझ लिया है। हमारी बॉडी अपनी सेल्फ हीलिंग करती है, यानी कि बॉडी सेल्फ हीलिंग करती है, और उसका समय रात को 11 बजे से लेकर 4 बजे का है। यानी कि अगर आप 11 बजे से लेकर 4 बजे की नींद ले रहे हैं तो आपकी खुद बॉडी आपको हील कर देगी, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप रात की नींद नहीं ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मेडिसिन, डॉक्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो रात की नींद का कोई विकल्प नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है, तो रात की नींद कंपल्सरी है। अगर आप इतना करेंगे तो वो आपको मदद करेगी, और ये 3 चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि समय पर खाना खाना है, सही भोजन का चुनाव करना है, और दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। मैदे का परहेज नहीं करना है, मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, और रात की नींद कंपलसरी रात को ही लेनी है। सर, कभी-कभी छोले भटूरे खा सकते हैं। हाँ, मैंने इसलिए कहा कि परहेज करना चाहिए। कभी कभी तो हमें सब कुछ खाना चाहिए, महीने में 1 बार होना चाहिए। लेकिन हम लोग जब ये छूट दे देते हैं पेशेंट को तो कहता है कि मैंने 1 महीने में 1 बार छोले भटूरे खा लिए, 1 बार मैंने मोमोज खा लिए, 1 बार मैंने चाउमीन खा ली, तो वो 1 बार ही है महीने में, लेकिन वो कई बार चली जाती है। मगर उसने एक चीज को 1 ही बार खाया। तो नहीं, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपने जो जानकारी दी है डॉक्टर साहब वो मुझे मतलब हमारे लिए तो बहुत जरूरी थी और बहुत कामयाब रहेगी हमारे लिए, साथ ही हमारे व्यूअर्स के लिए, सुनने वालों के लिए भी ये बहुत बहुत फायदेमंद रहेगी। सर, आपका कोई सोशल मीडिया हैंडल्स है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए सो दैट वो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्ट हो सके। जी बिल्कुल, आप किसी भी सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, आप #NavalSir डाल दीजिए, न्यूरोथेरेपिस्ट, आपको हमारा पूरा एड्रेस मिल जाएगा, पूरा चैनल मिल जाएगा। और हमारे न्यूरोथेरेपी पे मैंने यूट्यूब पर इतना काम किया है कि हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, क्योंकि हमने न्यूरोथेरेपी को यूट्यूब पर इतना प्रमोट किया है। लगभग 1800 से ज्यादा वीडियोस मेरी यूट्यूब पर हैं, जिसमें मैंने छोटी छोटी टिप्स दी हैं कि हमें कौन सी बीमारी में क्या न्यूरोथेरेपी की मदद ले सकते हैं, किस पॉइंट का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, ऐसा मैंने वीडियोस यूट्यूब पर डाली हुई है। तो #NavalSir न्यूरोथेरेपिस्ट आपने डाला है। थैंक यू वेरी मच सर, आज हमारे बीच में आप आए। एंड व्यूअर्स, ये थे हमारे बीच में नवल सर, और इनका पॉडकास्ट जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वेरी मच सर। जी, आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना इतना फेमस अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स को कुछ दे पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ, लोगों को न्यूरोथेरेपी के बारे में थोड़ा पता चलेगा। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी बधाई मैं आपको भी देता हूँ कि आज सोशल मीडिया की ताकत बहुत कुछ है, सोशल मीडिया से लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को न्यूरोथेरेपी के बारे में पता चलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।